Okay, Vinita ma'am, your session is live, so you can start your session. Hello, Supermom. Screen dikh sakte hai kya ma'am? हाँ जी मैम, स्क्रीन दिख रही है लेकिन थोड़ा सा नीचे कर लीजिए. नहीं मेरी तो दिख रही है, मैं को मतलब किसने ज्वाइन किया है थोड़ा सा वो दिख जाता है. अच्छा, ये सबने ज्वाइन कर लिया मैम, आप स्टार्ट कर दीजिए. अच्छा ठीक है. हेलो सुपर मॉम्स, आज हम लीप क्राफ्ट करेंगे और उसके लिए जो सामान है ये वाइट शीट है जिसमें हमें बनाना है. अगर रेड शीट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो स्केच पेन या कोई भी कलर हो तो भी चलेगा. और लीव्स चाहिए कई तरह की, जैसे बड़ी छोटी जो भी हो, और सीजर, फेविकॉल, बस यही चाहिए. अब स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करें. सबसे पहले हम एक शीट ले ले रहे हैं, ड्राइंग शीट हो या जो भी है, और उसमें हम सबसे पहले हम दो चीज बनाएंगे, एक तो पिकॉक और एक बनाएंगे गणेश. तो उसके लिए हमें ये हिबिस्कस की अगर मिल जाए तो ज्यादा ही अच्छा है. लीव्स अगर नहीं मिलती हैं तो कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी लीव्स ले सकते हैं. ठीक है, तो जैसे अब सबसे पहले हमने ये बड़ी वाली जो फेस बनाने के लिए, गणेश की जो फेस बनाएंगे उसके लिए हम ये लीफ लेंगे, बड़ी जो चौड़ी सी है थोड़ी. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसी भी है वैसी बना लीजिए आप. इस लीव्स का जो ऊपर से ये है इसको हम काट लेंगे ताकि चिपकने में ये आसानी रहे, और जो पीछे से है ना हम इसको यहाँ से फेविकॉल लगाएंगे, और केवल फेविकॉल सेंटर में ही लगाएंगे क्योंकि हमें बाकी सारा अभी पेस्ट नहीं करना, इसके अंदर और भी लगानी है लीव्स, तो इसलिए खाली सेंटर में लगा के इसको ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे. देखिए इस तरीके से मैंने ये लिया सेंटर, और इधर सेंटर पे ये फेविकॉल लगाया है, और ये इस तरीके से देखिए इस तरीके से फेस बनाया है, तो मैंने ऊपर की साइड लगाया है ये, और ये नीचे इधर ऐसे ये पतला ये हिस्सा नीचे ले लिया है, और फेस इधर ऊपर ही लगाना है, ये नहीं है बीच में क्योंकि अभी काफी आएगा, तो इसलिए बस ऐसे ही लगाना है. उसके बाद हम इनके ईयर पहले लगाएंगे, तो ईयर लगाने के लिए हमने दो एक सी लिए हैं लीव्स, और इनको हम ऊपर से हल्का सा ये कटिंग कर लेंगे ताकि ये चिपकने में भी आसानी रहे, और इसको फिर हम इसके हेड के अंदर से लेंगे इस लीव्स को. मैं भी लगा के बताती हूँ. इसको हम अब हम पूरा इसको लगा सकते हैं इसमें फेविकॉल. ये देखिए इसको मैंने हेड के नीचे से लिया है, दोनों इनको इनके ईयर को. सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है?
Yes, ma'am, it's clear. Thank you, Sweetie ma'am. मुझे क्या स्क्रीन पे दिख सकते हैं कि कौन बना रहे हैं या क्या, ताकि मैं देख सकती हूँ. देखिए अब इस तरीके से मैंने लगा दिया. अब हमने इधर फेविकॉल नहीं लगाया था तो अब हमें इधर भी लगा ले. इस तरीके से लगा दिया. अब दूसरे जो इनका पेट बनेगा तो दूसरे हिस्से को हम इस तरीके से लगाएंगे. ऊपर की तरफ नोक होगी, इस तरीके ऊपर तो इस तरीके से आया है, नीचे की तरफ नोक है और इधर से जो है ऊपर की तरफ नोक. इस तरीके से बनाना है. अब हम इनके पैर बनाएंगे और पैर मुड़े हुए बैठे हुए हैं तो पैर मुड़े हुए बनेंगे. तो उसके लिए हम इस तरीके से हम पैरों को ऐसे लगाएंगे अंदर की साइड. नोक जो है वो अंदर की साइड आएगी. अगर किसी के पास पतली पत्तियां हैं या कुछ भी है तो आप उससे भी बना सकते हैं. कोई ये नहीं है कि अगर आपके पास ये वाली पत्तियां नहीं है तो आप ना बनाएं. आप जैसी भी पत्तियां हैं तो उससे भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. देखिए ये पैर जो है मैंने इसके इनके पैर जो है वो इस तरीके से मुड़े हुए, ये जो पतला नोक वाला हिस्सा था वो अंदर कर दिया है और ये जो इसका चौड़े हिस्सा है जो वो ऊपर इधर की साइड कर दिया है इस तरीके से. आज कोई बच्चा बना रहा है या नहीं बना रहा है कोई? मैम चेक करना होगा, देखती हूँ. लगता है आज बहुत कम हो गए हैं. अब हम इनके हाथ बनाएंगे. और हाथ देखिए इस तरीके से हमने हाथ जो बनाए ये जो हाथ बनाए इनमें हमने नोक ऊपर की साइड करी इस तरीके से.
देखिए इस तरीके से, आज कोई बना भी रहा है या नहीं? अब हम क्या करेंगे, इनकी आइस बनाएंगे। आइस के लिए हम व्हाइट पेपर लेंगे और उसकी आइस बनाएंगे। एक हम व्हाइट पेपर लेते हैं और उसकी आइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, एक छोटा सा इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और इसको हमने इस तरीके से छोटा सा एक अर्ध चंद्रमा की तरह ऐसे बना दिया है, छोटा सा हाफ हाफ सर्कल से भी ये पतला। इसको हमें टू चाहिए तो हमें इसे मोड़ देंगे और दो एक साथ निकालेंगे इनकी आइस। सबको क्लियर हो रहा है? Yes. आपको क्लियर हो रहा है? Yes, क्लियर है। ये तो उमा में ये पूनम सिंह है। ओह सॉरी, पूनम सिंह है। हाँ आपकी भी मिलती हुई सी लगते दोनों की आवाज। ये देखिए इस तरीके से मैंने आइस बनाई, इनको इस तरीके से लेके अब इसमें एक हम ब्लैक रंग से आउटलाइन करेंगे और एक गोल सर्कल करेंगे। मैम एक सेकेंड, शो कर सकते? ये आइस शो करनी है? ये आइस मैंने काटी है, अब इन्हें आउटलाइन करनी है और बीच में एक गोल सर्कल करना है, ठीक है? या पूरा दिखाना है? ये देखना है?
देखिए इस तरीके से या इसने ये ऐसे कर बना दिए। अब दूसरी को भी हम ऐसे कर लेते हैं सेम। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अगर पूछना हो तो आप बता दीजिए, मैं बता दूंगी दोबारा। अब ये आईज जो है हम इन्हें इधर जो फेस है उधर सेंटर पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आइस बनाएंगे। ठीक है, अब हम इनकी नोज बनाएंगे। नोज के लिए हम ये एक रेड पेपर ले रहे हैं और उसमें एक स्केल से या ऐसे ही बना लेते हैं बिना स्केल के। इसे एक हॉकी की तरह, जैसे एक हॉकी होती है ना, उस तरीके से हम कटिंग करेंगे। थोड़ा सा शेप, गोल शेप देके नीचे से और उस तरीके से हम उसे एक लंबी सी सूंड बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने इस ये ले लिया और हल्का सा छोटा सा एक कर्व देख के इस तरीके से कटिंग कर ली। अब हम इसे लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसे लगाया है, सूंड को इस तरीके से हमने, दिख रहा है सबको? अब हम माथे का इनका टीका बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक व्हाइट पेपर लिया है और व्हाइट पेपर से हम दो फोल्ड करेंगे ऐसे आधा सेंटीमीटर के, एक एक फोल्ड आधा आधा सेंटीमीटर का करके हम दो फोल्ड करेंगे।
और 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। मैं अभी दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने, अब हम हमने ये करा है ना, तो हम जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कर्व दे देंगे गोल। इन्हें गोल कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम करेंगे। जब दोनों तरफ से हमें ऐसे ही गोल कटिंग करके करना है। देखिए इस तरीके से, यहां से भी ये तीनों इस तरीके से गोल किए हैं हमने, मैंने, और ये इधर ऐसे गोल किए। इस तरीके से हमें ये माथे का टीका बनाना है। और फिर यहाँ पर हमें एक रेड कलर की, अगर किसी के पास रेड पेपर नहीं है तो रेड बिंदी भी लगा सकते हैं या रेड स्केच से भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहे कलर से, जिस तरीके से आप चाहे एक बिंदी भी सेंटर में और लगानी है। तो हम पहले इसको लगा देते हैं। अब हम एक ये गोल इसमें माथे पर एक बिंदी लगा देते हैं। इस तरीके से मैंने ये लगाया है, ये टीका इस तरीके से लगाया है। अब सेंटर में हम इधर बिंदी लगाएंगे। सबको क्लियर हो रहा है ना? ये मैंने गोल बिंदी लगाई बना दी है और मैं अब इसको सेंटर में लगा दूंगी। ठीक है, देखिए ये हमारे गणेश जी पूरे तैयार हैं। ब्यूटीफुल हाउस है। किसी ने बनाया है क्या?
आज लगता है किसी ने नहीं बताया है सब कम से कम जैसी भी पतली बहुत अच्छा बना है यूनिक है थैंक यू आज एक दो तो बना लेते कम से कम आज तो पत्तियां तो घर में सबको मिल ही जाती है चलो कोई सुंदर लगा आपने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बनाया मैम दिखाइएगा एक बार बहुत बहुत अच्छा बनाया किसी ने साथ में मैम वंदना किसने बनाया वंदना वंदना अच्छा शाबाश वंदना मैम हाँ बहुत अच्छा चलो आपने बनाया तो इसीलिए शाबाश बोल रही हूँ नहीं बहुत ही अच्छा तो कम से कम कोई एक तो है एक और एक और पिंक किसने बनाया दूसरा ट्राई तो किया आपने एक दो लोगों बोला एक दो लोगों ने बनाया अरे वाह ये किसने बनाया अच्छा बनाया कम से कम हाँ अब क्लियर बहुत अच्छा आईज बहुत अच्छी लग रही है दूसरा बनाए फिर यस मैम मैम एक बार आप अपना दिखा दो थैंक यू मैम हम बाद में जरूर ट्राई करेंगे मैम अच्छा ओके कोई नहीं अब हम एक पिकॉक बनाते हैं इसके लिए फिर हम एक शीट ले लेते हैं और हम अब एक पिकॉक बनाएंगे पिकॉक के लिए पहले हम उसका हेड बनाते हैं और हेड के लिए हम एक छोटी सी ऐसी हमने पत्ती ली है और इसको हमें बिल्कुल गोल काटना है पत्ती है ना क्योंकि गोल तो आसानी से मिलती नहीं है तो हम इसी पत्ती को गोल काट लेंगे उमा मैम म्यूट कर लो प्लीज ये पत्ती गोल आसानी से मिलती नहीं है तो हमने इसको इस तरीके से पत्ती को कटिंग करके गोल बना ठीक है तो अब हम इसको ऐसे लगाएंगे कि पूरे में पिकॉक आए तो हम इसको इस तरीके से लंबाई में नहीं लगा के चौड़ाई में और यहाँ पर ऐसे लगाएंगे ताकि ये पूरा पिकॉक यहाँ तक आ जाए ठीक है तो इधर लगाएंगे इसका इस साइड वही करेंगे कि हम पूरे में ना फेविकॉल लगाकर हम बीच में लगाएंगे क्योंकि इनके अंदर भी हमें पत्ती लगानी पड़ती है इनका इसकी गर्दन आएगी और भी चीजें आएंगी तो फिर हमें इसे सिर्फ सेंटर में लगाएंगे ताकि फिर हम हटा के लगा सकते हैं देखिए मैंने क्रोकोडाइल बनाया अच्छा ऐसा बना मैंने इस तरीके से ये लगा दिया है ठीक है कैसा बना मेरी स्क्रीन पे तो नहीं आया है अच्छा हाँ हाँ अच्छा बना है इसको आप ऐसे करके दिखाइए तो और देखिए मैंने इस तरीके से ना ये हेड बना लिया है अब मैं गर्दन बनाती हूँ गर्दन के लिए मैंने क्या करा है कि ये कनेर की है ना पत्ती इसको ले लिया है और इसकी कटिंग करके हम गर्दन बना लेंगे Thank you.
देखिए हमने ऐसे बना लिया, ऊपर से ये पतली है और ये नीचे की तरफ से थोड़ी चौड़ी है, तो हम जो पतला हिस्सा है वो हेड के अंदर ले लेंगे। कि ऐसे मैंने ले लिया, ये हेड ले लिया, फिर इसके अंदर से मैंने ये इसकी गर्दन ले ली। अब हम एक बड़ी पत्ती ले लेंगे और इसके शरीर को बनाएंगे। इसको हम ऊपर से ही लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद हम इसके पंख लेंगे। पंख के लिए हमने जितना हमने ये इसका वो लिया है, इसका शरीर जो लिया हमने, और पंख जो है हम थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, तो वो हम इस तरीके से ऊपर की साइड ऐसे करके लगा देंगे। इस तरीके से हमने लगाया, पहले हमने हेड ले लिया, फिर इसकी गर्दन ले ली, फिर इसका ये बॉडी ले ली, फिर हमने ये फैदर ले लिए इसके। अब हम अगर हमारे पास करी पत्ता हो या नीम का पत्ता हो या एक ये पत्ता नहीं, वो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुरैना बोलते, पता नहीं कौन सा होता है ये, तो इसके पत्ते होते हैं ना जिसमें बहुत सारी लीव्स ऐसी होती हैं, जैसे करी पत्ते में होती है, नीम में होती है, उसके हम ऐसे इनके पंख बनाएंगे। तो हमें ऐसे तीन लेने हैं, 1 2 3, हमें ऐसे तीन स्टिक चाहिए। हमने ये ले लिया है तीन, अब हम इसे इन तीन को लगाएंगे। इनकी हर पत्ती पे हमको वो लेना है, फेविकॉल लेना है ताकि वो चिपक जाए। तो पहले हम फेविकॉल लगा लेते हैं इसे खोल के। हम एक एक बूंद सब में ऐसे ही लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए और सीधी भी रहेगी। फिर लगा देने से, नहीं तो फिर ये मुड़ जाती है। इसमें मैंने इस तरीके से सब में एक एक ये लगा दिया है, बस एक एक पॉइंट का वो लगा दिया फेविकॉल।
हल्का सा प्रेस कर दीजिए इसको ताकि ये उठे ना। ये ऐसे मैंने लगाई, ऐसे ही मैं दो और लगा दूंगी इनके पास। सबको दिख रहा है ना? ये ऐसे लगा दिया मैंने, अब इसको लगा देती हूँ मैं। अगर हम सब में लगा देते हैं ना लीव्स में तो क्या है कि वो उठी हुई सी मुड़ नहीं जाती, नहीं तो मुड़ी मुड़ी सी हो जाती है। अब हम एक और ले लेंगे, ये बची है लास्ट में। इसको भी हम ऐसे ही लगा देंगे पास में। देखिए इस तरीके से मैंने लगाया। अब हमें इस मूल की आई बनानी है और बीक भी बनानी है, तो पहले हम बीक बना लेते हैं। बीक के लिए हमें ऐसे हमने एक पेपर ले लिया, इसको डबल कर लिया इस तरीके से, और डबल करके हमने इसको नोक बना दिया। लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से हमने इसको नोक बना लिया। ये यहाँ से बिल्कुल पतली सी नोक बना दी, और अब हम इसे लगा देंगे। इस तरीके से मैंने इसकी ये डॉक्टर चोच बन गई है। अब हमें इसके लेग बना दें। लेग के लिए भी मैंने क्या करा, ये कनेर के जो पेड़ पत्ते थे ना छोटे से लेके, और इनको यहीं से बस कट कर दिया है, जो इनकी नोक वाली जगह थी वहां से कटिंग कर दी है, यहां से मतलब इस तरीके से V शेप में इस तरीके से। अब इसे हम
लगा देते हैं। क्लियर तो हो रहा है, सबको दिख रहा है? ये बना है इस, ये इसके लैब इस तरीके से, इसके बॉडी के इसके अंदर से हमने ये लैब इसके बना दी। बहुत अच्छा। अब हम आईज बनाते हैं। आईज के लिए हम छोटा सा एक वाइट रंग का हमें वो बनाना है, एक वाइट छोटा सा बिंदी की तरह सर्कल बनाना है। ये हमने एक गोल सर्कल बना लिया है छोटा सा, अब हम इसे लगा देंगे। और इस गोल सर्कल में हम एक बीच में ब्लैक पॉइंट आइस का बना देंगे। इस तरीके से आइस। अब हम इतना सुंदर मोर बनाया, देखो। मोर बना लिया देखो। अब बारिश तो हो ही रही है, होने वाली है, तो मोर भी बन गया है तो डांस कर लेगा। नाचता हुआ मोर, बारिश का मौसम हो गया, नाचता हुआ मोर बनाया, बहुत सुंदर। अभी इसमें हम इसकी कलगी जो होती है ऊपर की वो लगाएंगे। के मोर के पंख बनाए हैं, वो लंबी लंबी डंडिया वैसे ही लगाती है उसने, पत्तों वाली। ये इसके इनके तीन वो में कलगी बनाते लगाते हैं ना। इसको पतला कर दिया है मैंने, ये काफी वैसे हो रहे थे चौड़े, थोड़ा सा पतला करके। पत्ती का तो यह है कि अगर नहीं भी मिलती है, अगर वैसी होती है तो उन्हें की कटिंग भी हो जाती है और आराम से लग जाती है। विनीता जी, हेलो। मैंने गणपति बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे आ नहीं रहा है अभी।
मैं एक मिनट में दिखा रही हूँ मैम. दिखा? अच्छा, अरे वाह. किसने बनाया? अच्छा, बहुत अच्छा बनाया. सूट अच्छा तो बहुत परफेक्ट, सूट बहुत परफेक्ट बनी है. हाँ जी. ओके, थैंक यू. ये इसको मैंने, ये ऐसे अब हम इसको डाल पे ही बिठा देते हैं. हमने हम करी पत्ते की टहनी भी ले सकते हैं अगर हमारे पास करी पत्ते की टहनी है. मैंने तो ये किसी और पेड़ की है टहनी, इसको लेकर और हमें लगाना है. पता नहीं ये चुकेगी या नहीं, काफी मोटी है ये. पतली टहनी करी पत्ते वाली तो चिपक जाती है, इसका पता नहीं. हमारे यहाँ गिलोई के बहुत पत्ते लगे हैं मैम. हाँ अच्छा, गिलोई मेरे यहाँ भी लग रहा है. उसी का मैंने किया ये गणपति. अच्छा, नहीं गिलोई के वो होते तो है ही काफी मोटे, तो वो सही रहते हैं गणेश जी के लिए. जी जी जी. और फिर पत्तियों का तो ये, अगर पतली चाहिए तो उसे कटिंग कर लो, लकड़ी पे वेट रख दीजिए तो सही हो जाएगा, चिपक जाएगा. वेट डंडी थोड़ी सी ना मुड़ी हुई डंडी है. हाँ, वेट रखने में तो वो है, खैर थोड़ा हो जाएगा. आधी तो चिपकती है और आधी नहीं, वो फूटे जा रही है. चलो जैसे भी है. इसमें अब हम छोटी छोटी लीव्स ये होती है ना, इन्हीं को लगा देते हैं. एक दो बस, ये अब हो गया कंप्लीट. थोड़ा सा रह रहा है ये. ये हो गया है बस. अब इसमें मैं दो फूल और लगा देती हूँ तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा. ये मैंने सदाबहार के लिए लिया. आप कोई भी फूल ले सकते हैं, कोई भी छोटा सा फूल हो, थोड़ा सा उससे थोड़ा ब्राइटनेस ही थोड़ा सा अच्छा लगता है. इसके फूल की हर पंखुड़ी पे लगाना पड़ेगा.
एक और ये मैं कटिंग करके लगा देती हूँ, फिर ये कंप्लीट है। ये देखिए, ये ऐसे बने। हमने इसकी इसको डाल पर बिठाया है और ये दो फूल लग रहे हैं, ऐसे बने। वेरी नाइस विनीता मैम, नाइस मैम, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और किसी ने कुछ, किसी ने बनाया पिकअप, बनाए गणेश जी तो सबने बनाए, काफी मतलब दो तीन लोगों ने बनाए हैं कम से कम। हेलो रति मैम। यस मैम। मैंने ये पिकअप बनाया, एक बार दिखा दीजिए। अरे अच्छा तृप्ति। हाय विनीता भाभी, तरंग की लाज रख ली। मैं ये कह रही हूँ, मैं तरंग की लाज रख ली। बहुत सुंदर बनाया ये वाला मोर विनीता भाभी, आपको बहुत अच्छे बने हैं। नहीं मैंने सोचा था गणेश जी तो फिर भी सब बना लेंगे, ये बनाने में थोड़ा ज्यादा वो चाहिए, पत्तियों का थोड़ा ज्यादा है, पर एक तो पिकॉक बना कम से कम। हेलो रति जी, मैंने भी गणेश जी बनाया है। हेलो, हाँ अच्छा, अरे हाँ अच्छा बनाए। ये मनी प्लांट से बनाया क्या? हाँ मनी प्लांट से बनाया। हाँ अच्छा बनाया, क्योंकि इसकी भी सही है पत्तियां ना, इनकी भी ऐसी चाहिए रहती। ठीक बनाया, अच्छा बनाया। चलो धन्यवाद आपका बनाने के लिए। नहीं पहले मैंने उसका ना स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, उसको देख देख कर बनाया, तब तक आपने पिकॉक बनाया, मैंने गणेश जी बना दिया। अच्छा हाँ, मैं यही सोचा था, मैं क्या गणेश जी पे चलो पहले बना लेती हूँ, ताकि वो तो सब बना ही लेते हैं आसानी से। इसमें कुछ अलग अलग तरह की लीव्स ज्यादा चाहिए तो इसलिए। ओके, और किसी का है जिनका दिखाना है? विनीता भाभी दोनों क्राफ्ट बहुत अच्छे बने हैं आपके दोनों। थैंक यू तृप्ति, बहुत अच्छे। ओके मैम, दोनों हाथ में ले लीजिए पिक्चर क्लिक कर, एक ही ले लीजिए कोई हाथ में। मोर वाला बहुत सुंदर बना, मैं देखती हूँ दोनों लेकर। हाँ दोनों का, हाँ दोनों आ रहे हैं, ठीक है गुड, ऐसे लेते हैं।
एक सेकंड मैम. डन मैम. ओके, और जिन्होंने बनाया सब लोग हाथ में ले लीजिए, मैं पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ. वही क्या हुआ जाओ, उन्हें क्या सीखी हो और जिन्होंने बढ़ाया और सब लोग हाथ में ले लीजिए, खत्म हो गए. डन मैम. सबका जिन पार्टिसिपेट करने का जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद. ओके, थैंक यू सो मच विनीता मैम, इट वाज वंडरफुल क्राफ्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू, वेलकम.
पीछे लाता था गाड़ी तो ये देखो अभी तो ऐसा इंसेक्ट पर्वत की होती है ये देखो सुपर गाड़ी चला देते हैं ये देखो मैंने देखा फोन निकल गया देखो कितना मुट्ठी क्यों चला रहा बार बार क्या है इसको लिखते रहो कुछ तो देख लगता है आउटर तरफ पे क्या बनाया है गणेश तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ अरे ये लिप क्राफ्ट है लिप क्राफ्ट मैंने नहीं बनाया शी मेड क्या ये लिप क्राफ्ट लिप क्राफ्ट कहाँ है रुक जाओ कंप्लीट हो गए देख कितना सुंदर बनाया अच्छी बात अच्छा अब मुझे वो दे मुझे एक उस पर वो लिख जाए कमेंट टाइम हो गया इसका मेरे को नहीं आता सब बनाना लड़के से बनवा दो
हेलो।